focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. चल रही है जहां जहां भी स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहां मीथेन गैस से ही सीएनजी निकालना ये एक प्रारंभिक स्टडी हो चुकी है। मैं आयुष को बधाई देता हूं। इन दिनों में अल्टरनेटिव एनर्जी की खोज में हम देश की घरेलू उत्पादन गैस की बढ़ा रहे हैं, विश्व बाजार से एलएनजी लेके आ रहे हैं। आईओसी और बाकी अन्य कंपनियों ने भी ये जिम्मेवारी लिया है कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए भारत के अंदर से जहां जहां मीथेन को सीएनजी में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको करना, और एक सिक्योरिटी आईओसी ने दिया है कि इसमें गंगा अथॉरिटी की जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की वायबिलिटी है वहां हम लोग सीएनजी बनाएंगे। एक नया एडिशनल इकोनॉमिक मॉडल देश के सामने आएगा इस नमामि गंगे अथॉरिटी के अंदर। ये भी एक बायप्रोडक्ट आएगी, ये एक कमर्शियल मॉडल हम लोग लेके आएंगे। मित्रों, इन दिनों में बायोमास से बायोफ्यूल निकालना, एथेनॉल निकालना, शहर के कचरा, खेतों में बनने वाले कचरा, जंगलों में कचरा, ये जो तीन प्रकार की वेस्ट है जिसके कारण पर्यावरण खराब होती है, रोग बढ़ते हैं, हेल्थ एक बड़ा चैलेंज हो रहा है, इसको ट्रीट करते हुए वेस्ट बनाना वेल्थ से, इसमें एक एनर्जी कंपनी के नाते, एनर्जी सेक्टर के नाते हमारी मिनिस्ट्री की एक बड़ी भूमिका है। हम इस प्रकार की कन्वर्जन की बड़े पैमाने में पार्टनर बनना चाहते हैं। जगह जगह पे इस दिशा में काम शुरू हुआ है। नमामि गंगे को और तेजी देने के लिए सिर्फ स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना नहीं, लोगों को अगर उस कचरे से दो पैसा मिलेगा तो लोग उसको कचरे को ठीक जगह पे पहुंचाएंगे, तब स्वच्छता बढ़ेगी। इस सहज चीजों को बनाने में हमारी मिनिस्ट्री की जो भूमिका होगा हम उनमें जिम्मेवारी लेंगे। अंत में और एक अनुरोध करूंगा नितिन के सामने, इसमें स्किल की बहुत बड़ी भूमिका है। नदी के किनारे हमारी अर्थनीति और सभ्यताएं पुराने दिनों से बनते आ रही है। आज बदलते हुए परिस्थिति में पर्यावरण, पर्यटन, फूड प्रोसेसिंग की सुविधाएं नदी और नया नदी के किनारे आसपास इलाका में बनते जाएगा। पुराने कामकाज बंद होगा, नए कामकाज बनेगा। अगर हम इस पूरा गैंगेटिक बेल्ट में गंगा जी के आसपास के कहीं कहीं अगर हम स्टेट ऑफ आर्ट स्किल सेंटर बनाते हैं, मल्टी सेक्टर स्किल सेंटर बनाते हैं। मैं कल लखनऊ में था, लखनऊ में हम लोगों ने योजना बनाई है, बनारस में ही एक मल्टी सेक्टर स्किल सेंटर बनाएंगे जिसमें वाटर रिसोर्स की, नदी आधारित, गंगा आधारित, गंगा आधारित पर्यटन, ये सारे के स्किल के बारे में भी चिंता करेंगे। मैं एक प्रस्तावना दे रहा हूँ नमामि गंगे अथॉरिटी के सामने, आपकी होलिस्टिक प्लानिंग में सिर्फ कचरे को साफ करना इतना चिंता नहीं, उसमें जो नया अर्थनीति बनेगा उसको भी शोकेसिंग करना, मल्टीप्लाई करना, ये भी आपकी भूमिका है। उसमें भी मेरे पास जो दूसरे विभाग के काम है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें भी मैं कभी माननीय नितिन जी के समय लेते हुए हमारी जो प्रेजेंटेशन है हम लोगों ने जो तैयार किया है, हम क्या चाहते हैं, जैसे आपने रोड सेक्टर में जितने भी रोड बनेगा सारे रोड के ऊपर
साइमल्टेनियसली स्किल इकोसिस्टम भी बनते जाएगा। ऐसे ही वाटर रिसोर्स में भी आप विशेष करके ये नमामि गंगे पे उसकी एक प्रयोग किया जाए, मैं आप लोगों का आभारी हूँ। हमको भी इस पवित्र काम पे, इसको मैं महत्वपूर्ण कहने से भी छोटा हो जाएगा, गंगा जी की सेवा सौभाग्य में रहने से ही मिलता है, ऐसे सौभाग्य आपने हमें दिया, मैं आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद। साथ ही पहले पुरस्कार में हमने दो लोगों को चैलेंज किया है, जिसमें धनंजय भोगाल है जो इस समय यहाँ पर नहीं उपलब्ध है, किसी कार्यवश में यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, जो मेंबर है फोटोग्राफी क्लब IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। बहुत बधाई आपको। राजू रोशनी करेंगे प्रणब बसत से, कृपया वो भी मंच के समीप आ जाए। माननीय मंत्री जी से पुरस्कार प्राप्त करते हुए तीसरे पुरस्कार